Welcome to Ultrasonic Testing Basics Part 2 video. So this is the version of Hindi. So if you want to watch this video in Hindi, Telugu, English, you can find the link below this video in the description. Thank you very much. So Hindi version aapka swagat karta hai. So aaj ke din hum ye sikhne wale hai ki what is frequency and denoted by and units. Frequency kya hoti hai, usse kisse denote karte hai aur uske units kya hai. Next, what are the conversions of frequency? Frequency ke conversions kya kya hote hai. Next, what are the sound frequency ranges. Next, relationship between time, frequency and wavelength. So aap agar first part miss ho chuke hai to aap dekh sakte ho mere channel ke andar ja kar videos mein dekhiye. So agar wo video miss kiya hai to aap please aap dekhiye wo bhi video so that aapko kis prakar ke doubts bhi aapko nahi aa sakte. Chale dekhte hain relationship between the frequency, wavelength, speed and time. So next, types of speeds. Chalo start karte hain. So what is frequency? Frequency kya hoti hai? Dekhiye, number of oscillations per unit time is the frequency of the sound wave. Dekhiye, wahan time ko always apan second mein lena chahiye. Jaisa ke dekhiye aap agar apan koi bike mein jate hai to apne ko speed batlata hai jaisa ki 20 km per hour. Yani iska matlab ye hua ki 20 km aap 1 hour mein reach ho sakte hai same speed se gaye to. Agar wo batlata hai ki 30 km per hour, मतलब 30 किलोमीटर आप पहुंच सकते पर आवर में. ठीक इसी तरह नंबर ऑफ ऑसिलेशन को सेकंड्स के रेफरेंस से बताया जाता है, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जहां हम स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस को टाइम का 1 आवर का रेफरेंस लेकर अपन सम किलोमीटर पर आवर जिस प्रकार से बोलते हैं, यहां भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को लेकर पर सेकंड्स के रेफरेंस से हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं. सो देखिए यहां हाफ 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 जैसा कि हाफ 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 ऑसिलेशन हाफ ऑसिलेशन हाफ ऑसिलेशन कुल मिलाकर आपको फोर ऑसिलेशन यहां दिखते हैं. देखिए हाफ प्लस हाफ हुआ वन वेव और वन साइकिल. सो यहां देखिए वन फ्रीक्वेंसी अगर आप बोलना चाह रहे तो वन साइकिल के लिए आप 1 सेकंड लिए है तो इसे हम कहते हैं 1 हर्ट्ज. अगर आप बोलेंगे 2 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, मतलब 2 हर्ट्ज का मतलब यह हुआ कि 2 साइकिल्स को आप 1 सेकंड लिए है तो उसका मतलब हुआ 2 हर्ट्ज. सो इसे हम इन डेप्थ स्टडी कर सीखते हैं जब भी अपने दिमाग में बैठता है सो दैट फुल क्लैरिटी भी हो सकती है. देखिए टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स 4 है, ये तो हम कंफर्म है, इसके बारे में अपन पार्ट 1 में फुल डिस्कशन किए हैं. सो नेक्स्ट देखिए टाइम 1 सेकंड. देखिए कि 4 साइकिल कंप्लीट होने के लिए हमें 1 सेकंड टाइम लग रहा है. तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल साइकिल्स पर सेकंड का डेफिनेशन है, मतलब यह हुआ कि साइकिल्स कितने हुए 4 डिवाइडेड बाय सेकंड कितना टाइम लिया है 1, मतलब हुआ 1 सेकंड, मतलब 4 हर्ट्ज. 4 हर्ट्ज का मतलब यह हुआ कि 4 फ्रीक्वेंसीज, मतलब एक फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती तो 4 फ्रीक्वेंसीज क्या होते 4 हर्ट्ज होते, कब जब टाइम 1 सेकंड होता है. सो यहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि टाइम हमें अलग लेना चाहिए. For example, time 2 seconds हुआ, मतलब यह है कि 4 cycles complete होने 2 seconds हुआ समझिए. जब क्या होता frequency, 4 cycles, number of cycles divided by time, time कितना है अब है 2, मतलब हम कभी भी frequency की बारे में बात करते हैं तो जब हमें यह बोलना चाहिए कि per second के बारे में बोलाएं, लेकिन यहां 2 seconds है, so 1 second करना चाहिए, so इसे divide कर देना चाहिए. जैसा कि 2 ones are 2 twos are, मतलब हुआ 2 हर्ट्ज, मतलब आप क्या बोल रहे हैं 2 हर्ट्ज का मतलब यह होगा 2 साइकिल्स पर सेकंड. यहां आप चेक क्रॉस आउट चेक कर सकते हैं, जैसा कि 1 सेकंड में 2 साइकिल्स हुए और 1 सेकंड में 2 साइकिल्स होते हैं, 2 साइकिल्स 2 साइकिल्स 4 साइकिल्स, 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड 2 सेकंड्स, यानी टैली हो चुका है. मतलब हम कब भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो 1 सेकंड से बोल रहा है नहीं है. Next, frequency is denoted by, say f, so इसे f से denote करते हैं, simple f, यह है new, so यह है Greek symbol है, so लगभग यह v की तरह दिख रहा है,
बट इसे हम न्यू कर कर कहना चाहिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट आउट किया ग्रीक सिंबल को, जैसे कि ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, लाइक यहाँ देख सकते हैं आप एन, एन का मतलब हुआ न्यू। सो यहाँ सो वी जस्ट लाइक वी के तरह दिखता है, बस इसे न्यू बोलना चाहिए। सो ये है एफ एन न्यू। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? सो फ्रीक्वेंसी के क्या क्या यूनिट्स होते हैं? एस आई यूनिट साइकिल्स पर सेकेंड, यानी सी पी एस। सो ये बहुत ओल्डेस्ट यूनिट्स है इसके, उसके थोड़े दिन के बाद यानी कुछ समय के बाद हो गया सेकंड पर माइनस वन। सेकंड पर माइनस वन के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर वन सेकंड। सो नंबर ऑफ साइकिल्स के कोई यूनिट्स नहीं होते, सो इसे हम वन ले लिए पर वन सेकंड। सो वन बाई सेकंड का मतलब हुआ सेकंड पर माइनस वन। सो यहाँ देख लीजिए सेकंड पर माइनस वन का मतलब ये है कि जब सेकंड लिख के उसके सर पर अपन माइनस वन लगाते हैं, उसके सेकंड माइनस वन आर सेकंड यूनिवर्स कह सकते हैं। ओके ये तो बहुत कन्फ्यूजन यूनिट्स है, इसलिए ना इसको कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए कुछ नाम देना चाह रहे थे। सो ये साइंटिस्ट का नाम है हिनरिच रोडल्फ हर्ट्ज़। सो इन्होंने जन्म लिया 1857 में और इनका डेथ हो चुका है 1894 में। सो आप इनके नेम में देख सकते हो एक वर्ड है हेड्स। सो ये हेड्स क्या है देखिए। सो इन्होंने क्या किया है, प्रोड्यूस एंड प्रूव्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फर्स्ट टाइम इन 1886 में इन्होंने प्रूव किया है, प्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सो इनको रेस्पेक्ट करते हुए, इनका ऑनर करते हुए 1930 में फ्रीक्वेंसी को हिट्स का यूनिट फिक्स कर दिया है। किसने? इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन ने। सो जब से फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स है हेड्स। फ्रीक्वेंसी कन्वर्शंस, सो फ्रीक्वेंसी के क्या क्या कन्वर्शंस होते हैं आप देख सकते हो। सो यहाँ देखिए किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। सो ये है कन्वर्शंस के थोड़े वर्ड्स। इसके बारे में सिंपल सीख सकते हैं इन्हें सिंपल वे। जैसे कि वन किलो हिट्स, वन किलो का मतलब है वन के बाद आप टेन थ्री जीरो सकते हैं, उसे हम किलो हेड्स करते हैं। सो किलो वर्ड यूज़ करना चाहिए, जैसा कि टेन क्यूब हेड्स, दैट इज वो हो गए वन किलो हेड्स। वन मेगा हेड्स का मतलब हो गया वन के बाद आप सिक्स जीरो सकते हैं, तो उसके वन मेगा हेड्स होते हैं। वन गीगा हेड्स, वन के बाद आप नाइन जीरो सकते हो, तो उसे हम कहते हैं वन गीगा हेड्स। मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते गए तो उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। सो टेरा कहते हैं, उसके बाद पेटा, उसके बाद हेक्सा, उसके बाद जेटा, उसके बाद वन योटा। सो योटा बहुत बड़ा यूनिट है। सो देखिए यहाँ अपन हम ये समझते हैं कि जितना भी जो भी साउंड हम सुनते हैं वही है, जो नहीं जितना भी बड़ा साउंड सुनते हैं वही बड़ा साउंड है, ये बिल्कुल एक गलत बात है। यहाँ देखिए योटा हर्ट्स, आप जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा साउंड है। नेक्स्ट, व्हाट आर द साउंड फ्रीक्वेंसी रेंजेस? सो फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बारे में यहाँ एक एरो दिया है, इसमें रेड कलर एंड ब्लू एंड ग्रीन कलर डिनोट किया है। देखिए यहाँ है हिनफ्रा साउंड, सो साउंड एंड अल्ट्रासाउंड। देखते हैं कि साउंड फ्रीक्वेंसी के रेंजेस क्या क्या है। एक है इंफ्रासाउंड, उसे हम इनऑडिबल रेंज कहते हैं और इंफ्रासोनिक कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लू कलर में साउंड, उसे ऑडिबल रेंज कहते हैं, सोनिक कहते हैं। सी ये साउंड हम सिर्फ ह्यूमन सुन सकते हैं, जैसा 20 हर्ट्ज के लो अगर है रहा तो वैल्यू हम नहीं सुन पाते हैं, 20 किलो हर्ट्ज के एवो रहा तो भी हम नहीं सुन पाते हैं। सो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड देखिए 20 किलो हर्ट्ज से 20 मेगा 2 मेगा हर्ट्ज और 200 मेगा हर्ट्ज के एवो जितना भी है उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसे अल्ट्रा ऑडिबल रेंज और अल्ट्रासोनिक रेंज। सो अल्ट्रासोनिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से हम ग्रीन कलर देख रहे हैं। सो एरो पर देखिए जहाँ रेड कलर है, जैसे इंफ्रासाउंड, जहाँ वो कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं इंफ्रासाउंड बट मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट जितना भी ह्यूमन सुन सकता है वो ब्लू कलर में दिया गया है, वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। सो ग्रीन कलर में है 20 किलो हर्ट्ज से एबो, मतलब 20 किलो हर्ट्ज, 22 मेगा हर्ट्ज, 200 मेगा हर्ट्ज। देखिए वहाँ एप्लीकेशन भी दे चुका है, जैसा कि देखिए मेडिकल एंड डिस्ट्रक्टिव के बारे में दे चुका है। एक पर्टिकुलर रेंज में आप देख सकते हो 2 मेगा हर्ट्ज से 200 मेगा के भीतर डायग्नोस्टिक एंड एनडीई। एनडीई का मतलब हो गया नॉन डिस्ट्रक्टिव एवैल्यूएशन, मतलब
उसका मतलब हुआ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मीन्स एनडीटी। आप अगर ये एनडीटी के टर्म में कुछ डिफरेंस है क्या है आप जानना चाहते हो तो मेरे वीडियोस में जाइए, एक वीडियो है जिसमें मैं टोटल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है आखिर इस एनडीटी एंड एनडीटी टर्म के बीच में। देखिए आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पास कर देखिए कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं यहाँ और बर्ड्स है और ह्यूमन बीइंग क्या रेंजेस दिया है। सो आपको इंटरेस्ट है तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि मनुष्य जितना कम सुन सकता है कुछ जानवर सुन सकते हैं, मनुष्य जितना मैक्सिमम सुन सकता है उससे मैक्सिमम साउंड कुछ जानवर सुन सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो पास कर और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। सो आप देखते समय लाइक करना भूलो मत और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो क्या क्या रिलेशन्स होता है देखिए। सो इसके बारे में पार्ट वन में मैं बहुत कुछ डिटेल से डिस्कशन किया है। सो आप देख सकते हो पार्ट वन में। सो यहाँ उतना समय मेरे को नहीं मिल रहा है। तो देखिए केस वन में देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं हाफ ऑफ साइकिल्स को लेकर। पूरे आठ हाफ साइकिल्स है मीन्स हो गए। फुल साइकिल्स कितने हो गए फोर, नंबर ऑफ साइकिल्स फोर। समझिए कि यहाँ टाइम टू सेकेंड्स हुआ है फोर साइकिल्स को, तो फ्रीक्वेंसी कैसा बोलते हैं साइकिल्स पर सेकंड। पर कभी भी बोलते हैं जब डिवाइडेड का मतलब होता है, यानी फोर साइकिल्स पर टू सेकंड्स। मतलब हुआ हम कभी फ्रीक्वेंसी को वन सेकंड में बोलना चाहिए इसे। सो वन सेकंड करना है तो टू वन जा टू टू जा, मतलब हुआ टू हेड्स। सो टाइम पीरियड सिंपली आप कैसा बोल सकते हैं, जितना टाइम हुआ है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी रिवर्स रिवर्स फ्रीक्वेंसी को रिवर्स होता है टाइम, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल वन बाई टू हम कहते हैं। मतलब होगा टू बाई फोर, टू वन जा टू टू जा, मतलब वन बाई टू, मतलब हुआ 0.5 टाइम पीरियड होगा। वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ का मतलब हुआ कि कंप्लीट साइकिल को फॉर्म करने जितना भी लेंथ होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, यानी कंप्लीट वेव को। सो यहाँ हो गया 6 mm। सो कुल मिलाकर 6 × 4 = 24 हो गया। मतलब देखिए नेक्स्ट केस टू में कंपेरिजन करते हैं हम। चलो सो यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स 3, केस वन में नंबर ऑफ साइकिल्स 4 है, मतलब एक साइकिल कम हुआ। क्यों कम हुआ देखते हैं टाइम टेकन। अरे टाइम तो सेम है फिर भी यहाँ एक साइकिल कम हो गया, किस वजह से हुआ। चलो देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी। फ्रीक्वेंसी है यहाँ 3 seconds, तो 2 seconds, 2 1 जा, सो 1.5 हेड्स हो चुका। मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हुई, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हुई बोलते नंबर ऑफ साइकिल्स कम हुए। आप केस वन में देख सकते हो फ्रीक्वेंसी 2 hertz है, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने 4 है, मीन्स वो नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा होते तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। नंबर ऑफ साइकिल्स केस टू में देखिए कम है तो फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी, बट टाइम टेकन सेम है। मीन्स टाइम पीरियड क्या क्या होता है, सी टाइम कितना है 2 seconds, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं 3, मीन्स 2/3, मतलब क्या हुआ 0.6, मतलब 0.6 टाइम बढ़ गया है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने टाइम बढ़ गया जैसा कि 0.6 है, इसलिए यहाँ 3 seconds है। एबो केस वन में देख सकते हो एक साइकिल कंप्लीट करने आपको 0.5 seconds लगा है। मतलब यह है कि आपको जितना भी टाइम कम होगा उतने ज़्यादा साइकिल्स आएंगे। यहाँ केस टू में 0.6 टाइम लिया है, मतलब टाइम ज़्यादा होने से साइकिल्स भी कम आएंगे। यहाँ देखिए वेवलेंथ कितना है 8 mm। सो 8 mm आने से अपने को क्या होगा, सो 24 है, 24 / 3 मतलब हुआ 3, मतलब यहाँ आपको वेवलेंथ कितना होगा 8 mm। देखिए केस वन में 6 mm था, केस टू में 8 mm है, मतलब वेव का लेंथ बढ़ गया इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा रहने से फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है। यही है रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी टाइम एंड वेवलेंथ। अगर कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो रोककर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इजी टाइम पे आप लाइक कर दीजिए। सो आगे बढ़ते हैं, देखिए वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, जब भी वेवलेंथ कम हो रहा है टाइम पीरियड भी कम हो रहा है। जब वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड दो कम हो रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। अगर उल्टा सोचो जब वेवलेंथ टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ये केस टू की बात है। सो यहाँ देख सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कब होती है, शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्ट टाइम पीरियड जब होता है, जब उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है सो उसका वेवलेंथ, और टाइम ज़्यादा होता है जब लो फ्रीक्वेंसी होती है।
relationship between the frequency lambda, speed and t. So v is f is equal to frequency lambda wavelength, v is equal to time speed, so speed, and t is equal to time. So f is equal to 1 by t. So 1 by t ka matlab hua number of cycles per second, per time. Number of cycles ko hum 1 kehte hain, so 1 divided by time. So v is equals to wavelength, v is equals to wavelength by time. स्पीड का मतलब यहाँ वेवलेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, मतलब स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम. सो यहाँ डिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, दैट्स व्हाई हम क्या ले रहे हैं वेवलेंथ बाय टाइम. मतलब क्या होगा यहाँ v इज इक्वल टू लैम्बडा, वेवलेंथ का सिंबल है लैम्बडा, टाइम का सिंबल है टी, v इज इक्वल टू टी. चलो देखते सो यहाँ आप देखिए v को आप लैम्बडा को फिक्स कर दीजिए, जब फिक्स करते हैं तो 1 बाई लैम्बडा बाई टी, मतलब ये हो गया 1 बाई टी. सो 1 बाई टी को हम क्या कह सकते हैं f कह सकते हैं. सो v इज इक्वल टू क्या होता f लैम्बडा, मतलब यहाँ 1 बाई टी के बदले में क्या लगती है f लगती है, मतलब यहाँ होगा v इज इक्वल टू f लैम्बडा. इसे क्या कहते हैं हम लीनियर वेलासिटी और लीनियर स्पीड, सिंपली स्पीड ऑफ ए वेव और वेव स्पीड, लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड. सो यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में. देखिए लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड ये मतलब v इज इक्वल टू f लैम्बडा, ये होगा लीनियर स्पीड. बट अदर स्पीड है एंगुलर स्पीड, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं. सो देखिए एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसा फॉर्मूला है, यानी वी बाई आर. सो वी ऑलरेडी हमें मालूम है वी इज इक्वल एफ लैम्बडा. सो यहाँ देखिए लैम्बडा इज इक्वल वेव लेंथ, लैम्बडा हो गया आर्क लेंथ, बट आर्क लेंथ लैम्बडा होना हो तो थीटा क्या रहना चाहिए 360 डिग्रीज, मतलब एक सर्कल में टोटल डिग्रीज कितने होते हैं 360 डिग्रीज होते हैं, कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्रीज. सो उसे हमें सिंपली 2 पाई कहते हैं, 2 पाई किस लिए कहते हैं, पाई इज इक्वल 180 डिग्री है ना, सो 2 × 180 दैट इज 360. सो यहाँ लैम्बडा इज इक्वल आप देख सकते हो लैम्बडा इज इक्वल आर टीटा, सो आर को फिक्स कर दीजिए, टीटा के बदले में लिखिए 2 पाई, मतलब हो गया लैम्बडा इज इक्वल 2 पाई आर. देखिए आर के बदले में आर फिक्स है, टीटा के बदले में 2 पाई, जब होगा लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर. देखिए v इज इक्वल एफ लैम्बडा, सो वहाँ f को फिक्स कर दीजिए, लैम्बडा के बदले में 2 पाई आर लग सकते हैं ना. सो जब क्या होगा v इज इक्वल एफ इंटू लैम्बडा के बदले में 2 पाई आर. सो ये हो गया v इज इक्वल एफ इंटू 2 पाई आर. यहाँ देखिए एंगुलर वेलोसिटी हमें चाहिए, ओमेगा चाहिए ना, सो v क्या होगा एफ इंटू 2 पाई आर, सो एफ इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर. सो यहाँ आर आर कैंसिल हो चुके हैं, सो हमें क्या मिला है आप देखिए ओमेगा इज इक्वल टू आर आर कैंसिल हो चुका है ना 2 पाई एफ. यही है एंगुलर स्पीड का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. थैंक यू वेरी मच. अगर ये वीडियो आप लाइक करते हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए आप फ्रेंड को जिसको ये ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट को मैं अपलोड करने वाला हूँ. थैंक यू वेरी मच.